हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे गार्डन की टिपुचिना सेमी डिकेंड्रा की प्लांट। इसे इंग्लिश में प्रिंसेस फ्लावर भी कहा जाता है और हिंदी और बंगाली में इसे बेगम बहार कहते हैं। ये गार्डन में पूरे बेगम की तरह ही रहते हैं। सभी फ्लावर के बीच में रहते हुए भी इसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है। और ये एक हार्डी और एवरग्रीन प्लांट है। मई महीने से लेके इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, फरवरी तक इसकी फ्लावरिंग चलती रहती है। और फ्लावरिंग होने के बाद आप इस प्लांट की कटिंग कर दीजिए तो देखिएगा कितनी अच्छी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। महीने पे एक बार मैं इसको गोबर खाद एक मुट्ठी देती हूँ और फर्टिलाइज़र में मैं इसको केले के छिलके के पानी स्प्रे कर देती हूँ। और इसकी फ्लावरिंग हो जाने के बाद आप लोग ये देखिए, ये सीड हुए हैं, इसे तोड़ दीजिए तो फ्लावरिंग और भी ज़्यादा होगी। इस प्लांट में कोई कीड़े मकोड़े मिलीबग इसकी अटैक नहीं होती है। देखिए ये प्लांट कितना क्लीन है। फिर भी आप चाहे तो आपके प्लांट में 15 दिन अंतर अंतर इसमें नीम ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं। मेरे प्लांट में कोई इंसेक्ट की अटैक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है। और ये एक फुल सनलाइट वाली प्लांट है, तो आप इसे जहाँ भी रखेंगे इसे फुल सनलाइट मिलती रहे इसकी ख्याल रखिएगा। और समर की टाइम जब इसे पूरे धूप मिलते हैं तब इसे थोड़ा शेडी एरिया में रख दीजिए। इसके सहारे इसको नए प्लांट बनाना बहुत ही मुश्किल है, वो तो नर्सरी वाले ही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब रेनी सीजन के बाद इसकी कटिंग के थ्रू ही नए प्लांट पा सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरी वैरायटी की बेगम बहार है, इसमें भी बहुत सारी फ्लावरिंग हुई है, ये भी मेरे गार्डन में है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पूरे प्लांट कितनी सारे फ्लावरिंग हुई है एक साथ, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा। Thank you.